हेलो गाइज, नए वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा होगा आपके आईडी में, जैसे कि ऐड फ्रेंड नहीं काम कर रहा होगा। ठीक है, हाउ टू ऐड फ्रेंड द फेसबुक। ठीक है, फेसबुक पर ऐड फ्रेंड कैसे शो होगा मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप भी एक फेसबुक यूजर हैं, अगर आपका भी फेसबुक पर सी ऑप्शन आ रहा है कुछ इस तरह से, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन अगर आ रहा है अपने फेसबुक पर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन का मतलब आप समझ सकते हैं, यहाँ पे आपका ना ही तो मतलब किसी को आप रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, ना ही तो आप किसी को यहाँ पे एसएमएस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके यहाँ पे सी ऑप्शन आ रहे हैं तो इनको आप रिक्वेस्ट नहीं सेंड कर सकते, ना ही तो आप इनको पर्सनली एसएमएस कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज, इसको कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। और चैनल पर नया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो लाता रहता हूँ। तो गाइज, हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम अपने आईडी को ओपन कर लिए हैं फेसबुक। यहाँ पे आपको लाइट ओपन करना है, फेसबुक लाइट यहाँ पे हमने ओपन कर लिया है। तो गाइज, यहाँ पे अगर आपके प्रोफाइल पर सी ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ठीक है, मतलब आपके सी ऑप्शन आ रहे हैं, मान लीजिए आपके फ्रेंड कह रहे हैं भैया या भाई मैं आपके प्रोफाइल में आपको रिक्वेस्ट नहीं सेंड कर पा रहा हूँ, ना ही तो आपको मैं मैसेज सेंड कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं उसको देखना तो आपको नहीं नज़र आ रहा होगा, आपको लगता है कि मेरी आईडी यहाँ पे सेफ है, बिल्कुल सही है। तो मैं आपको बता दूँ, उससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी आईडी सेफ है, बिल्कुल सेफ है, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि मेरे भी यहाँ पे काफ़ी दिन पहले यहाँ पे सी ऑप्शन करके आ गया था, तो मुझे इंस्टा पे एसएमएस करके बोल रहे थे कि भैया मैं आपको मैसेज नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो उसको मैं कुछ किया नहीं था। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या किया था, वीडियो को अंत तक देखेगा, मैं आपको सारी की सारी बातें अपने इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे अगर आप मान लीजिए किसी को रिक्वेस्ट सेंड करना चाहते हैं तो उसका यहाँ पे सी ऑप्शन आता है, ऐड फ्रेंड का ऑप्शन नहीं आता है। ठीक है, तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आपको कहाँ पर जाना है, क्या करना है। तो गाइस, यहाँ पे आपको सिंपली थ्री लाइन पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है। तो आपको यहाँ पे लाइट ओपन करके रखना है, और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। गाइस, यहाँ पे जब क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, इसको नीचे की तरफ आपको आना है। तो आपको एक यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाता है, हाउ पीपल फाइंड एंड कॉन्टैक्ट यू। ठीक है, यहाँ पे आपको गाइस सिंपली क्लिक करना है। गाइस, यहाँ पे जब क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, काफ़ी ज़्यादा लिखा हुआ। तो आपको सबसे ऊपर आपको एक मिल जाता है, हु कैन सेंड यू फ्रेंड रिक्वेस्ट। ठीक है, मतलब आपको कौन कौन सेंड कर सकता है फ्रेंड रिक्वेस्ट, मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, एक तो नो ऑन पे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, और एक फ्रेंड ऑफ फ्रेंड है, और एक तो एवरीवन। तो गाइस, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ इसका मतलब क्या है। तो गाइस, जैसे कि तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने नो ऑन पे किया है, इसका मतलब कि आप मतलब मेरे प्रोफाइल में कोई भी जाएगा तो ऐड फ्रेंड नहीं शो हो रहा होगा, वहाँ पे मुझे कोई रिक्वेस्ट नहीं सेंड कर पाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ बीच वाले ऑप्शन में फ्रेंड ऑफ फ्रेंड पर, तो गाइस, यहाँ का मतलब ये हो गया। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस, इसका मतलब ये हो गया म्यूचुअल फ्रेंड, जैसे कि फ्रेंड ऑफ फ्रेंड जैसे कि यहाँ पे ओपन है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड ऑफ फ्रेंड का मतलब ये हो गया, जैसे कि आप मुझ में ऐड हैं। ठीक है, मान लीजिए आप मुझ में ऐड हैं, आपका जो फ्रेंड है मुझ में ऐड नहीं है। ठीक है, तो मुझे वो रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है, बिल्कुल यहाँ पे रिक्वेस्ट उसको ऑप्शन मिल जाएगा। अगर मान लीजिए आपका म्यूचुअल मुझसे एक भी मतलब जीरो है, ठीक है, जीरो म्यूचुअल है, तो आप हमें रिक्वेस्ट नहीं सेंड कर पा रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पे हाइड हो चुका होगा फ्रेंड रिक्वेस्ट। ठीक है, तो अगर गाइस, यहाँ पे अगला ऊपर वाला जो ऑप्शन आपको एवरीवन का नज़र आ रहा है, अगर आप इस पर टिक कर देते हैं एवरीवन पर, तो इसका मतलब हो गया कि जितने भी फेसबुक यूजर हैं, ठीक है, ऑल टू ऑल जितने भी पर्सन यहाँ पे यूजर्स हैं फेसबुक में, सभी के सभी यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं मुझे, और मेरा जो ऐड फ्रेंड का ऑप्शन है वहाँ पे सबको शो हो रहा होगा, और सब कोई मुझे यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है। तो गाइस, यहाँ पे आपको एवरीवन पे क्लिक करके रखना है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करके रखेंगे तो आपको सब कोई यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है। गाइस, मैंने आपको पहला ट्रिक बता दिया है, अब दूसरा मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है अगर आपका भी फेसबुक पर सी ऑप्शन आ रहा है तो इस तरह से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी दिन पहले एक मुझे यहाँ पे आया था गैलरी में। ठीक है, तो मैं आपको इसी तरह का मैं वीडियो बना रहा हूं। अगर आप भी इसको हटाना चाहते हैं, ऐड फ्रेंड लाना चाहते हैं, तो वीडियो को अभी भी आगे देखते रहिए। तो गाइस, यहां पे एवरीवन करने के बाद मैं आपको बता देता हूं, मेरे भी यहां पे काफ़ी दिन पहले एक बार मुझे भी यहां पे ऐसा ही हुआ था। ठीक है,
तो गाइज उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाना अपने होम स्क्रीन पर, ठीक है गाइज। होम स्क्रीन पर आने के बाद इसको आपको इंस्टॉल कर देना है, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद तो दोस्तों यहाँ पे होम स्क्रीन पे आने के बाद आपको डिलीट कर देना है अपनी फेसबुक, और फेसबुक डिलीट करने के बाद गाइज आपको कुछ देर तक वेट करना है। वेट करने के बाद आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद जल्दी से आप अपनी फेसबुक को ओपन कर लीजिए, मतलब अपलोडेड कर लीजिएगा, और अपनी आईडी और अपनी आईडी को लॉगिन कर लीजिएगा पासवर्ड सेंड करके, ठीक है। उसके बाद जब आप वहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं तो आपका यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो 100% हट जाएगा, ठीक है। मेरा भी यहाँ पे हुआ था तो मैं भी यही ट्रिक अपनाया था। अगर आपका भी हो रहा है ऐसा तो आप जल्दी से ऐसा कर लीजिएगा, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि इससे मेरी आईडी बंद हो जाएगी या कुछ भी यानी प्रॉब्लम हो जाती है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो सी ऑप्शन अपने से हट जाता है, ठीक है। उम्मीद है गाइज आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और अपने फ्रेंड के पास इस वीडियो को सेंड जरूर करिएगा। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो पर।